ये सूत्र उपदेश अंगुत्तर निकाय स्थिक निपात में लोन वर्ग में है। लोन कहता है नमक को, लोन वर्ग में है, सूत्र का नाम नहीं है। अंगुत्तर निकाय पहला किताब में स्थिक निपात में लोन वर्ग में है। भगवान बांते लोगों को बताए, पुण्यवान भिक्षु, कोई कोई लोग कह सकता है ये पुरुष जिस प्रकार कर्म करता है उसी प्रकार उसको फल भोगना पड़ता है, जैसा करता है वैसा भरना पड़ता है। इसी प्रकार अगर दृष्टि है तो उनका रास्ता संपूर्ण नहीं होता है, ये गलत है। अच्छी तरह दुख खत्म करने के लिए ये नहीं होता है, क्या जिस प्रकार कर्म करता है उसी प्रकार फल मिल जाता है। ध्यान से सुनिए, मिस्टेक हो जाएगा। अगर और कोई कह सकता है जिस प्रकार विपाक मिलने वाले कर्म करता है उसी प्रकार वो व्यक्ति विपाक पाता है, जिस प्रकार फल मिलने वाले कर्म करता है उसी प्रकार उसको उसी फल भोगना पड़ता है। ये बोल दिया तो ये दृष्टि सही है, उनका निर्वाण की रास्ता संपूर्ण होता है, अच्छी तरह दुख खत्म कर सकता है। समझ में आ गया? जी। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया, बताइए। जो व्यक्ति पहला क्या है? पहला है जो व्यक्ति जैसा करता वैसा ही मरता। जो व्यक्ति जिस प्रकार करता है उस प्रकार पाता है, वो पहला, वो गलत। सही क्या है? जिस प्रकार फल मिलने वाले कर्म करता है उसी प्रकार वो पाता है, वो सही है। समझ में आएगा आप लोग को, क्योंकि अरहंत बांते लोग भी करता है ना, फल मिलता नहीं है। फल मिलता है क्या? नहीं, सब खत्म कर दिया है, लेकिन उन लोग कर्म करता है, कर्म का फल मिल जाता अरहंत बांते लोग को? नहीं। इसीलिए अभी समझ में आ गया ना, जैसा करता है वैसा भरता, गलत है। जिस प्रकार फल मिलने वाले कर्म करता है उसी प्रकार फल मिल जाता है। कौन है? हम लोग अर्हत प्राप्त नहीं किए हैं, हम लोग मिलने वाले कर्म करता है ना, हमेशा भविष्य में मिलने वाले ही कर्म करते रहता है, क्योंकि हम लोग अर्हत प्राप्त नहीं किए। भगवान बुद्ध ने बताया यहाँ कोई कोई लोग हैं, छोटा सा पाप करेगा तो छोटा पाप से उसी पाप से वो नरक में चल जाता है। इसकी एक मक्के को ऐसे करके मार दिया तो नरक में जा, एक झूठ बोल दो तो नरक में चल जाता है एक झूठ से। और लोग हैं उसी प्रकार पाप करेगा तो उसको उसी जीवन में उसका फल मिलता है, मगर एक मात्र भी मरने के बाद नहीं मिलता है। बहुत दुख मिलने के बारे में क्या बात है? पहला क्या बताया? जो जैसा एक व्यक्ति है वो थोड़ा भी अगर पाप करेगा तो नरक में जा सकता, उसी पाप के चलते वो नरक में जा सकता, नहीं जरूर जाएगा। लेकिन और एक व्यक्ति है उतना ही पाप करेगा तो इसी जीवन में ही उसका फल मिल जाता है, थोड़ा मोटा मिल जाता है, बहुत नहीं, इस खत्म हो जाता है, मरने के बाद एक बूंदा भी बचता नहीं है। तो बहुत दुख मिलने के बारे में क्या बात है? इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया किस प्रकार व्यक्ति
अल्पमात्र थोड़ा भी खर्म करेगा तो नरक में जाएगा। कौन सा लोग थोड़ा भी पाप करेगा तो नरक में जाएगा, बताएं। ध्यान से सुनिए, कौन है? इद पन बिखवे एकाच पुगलु अभावित कायो होती। यहाँ एक पुगल है, वो अभावित काय, अभावित शरीर है, अभावित सीलो, अभावित चित्तो, अभावित परिपन्यो, परितो अपात्मु अपदुक विहारी। इसका मतलब है वो अभावित शरीर से युक्त है। अभावित शरीर मतलब उसका उसका शरीर में, शरीर से, शरीर धर्म पे प्रयास करवाया नहीं, धर्म पे उसका शरीर पजाया नहीं, धर्म पे उसका शरीर चलाया नहीं, यानी कि शरीर से वो अच्छा आचरण बहुत समय तक किया नहीं। अभावित सीलो, वो शरीर से सील एक बूंदा पालन नहीं किया है। अभावित चित्त, मन धर्म पे प्रयास नहीं करवाया है। समझ में आ गया? इसके बाद अभावित प्रज्ञा, अभावित पंजो, यानी कि वो प्रज्ञा को बढ़ाया नहीं। इसके बाद परितो, उसका मन छोटा है। मन छोटा है मतलब उसका मन भी बहुत गंदा है, उसका मन बड़ा नहीं। बड़ा होता है प्रज्ञा से, है ना? छोटा मन है। इसके बाद अपा तुमो अप दुख विहारी, उसका गुण धर्म अप अल्प मतलब थोड़ा, थोड़ा। उसका जीवन गुण धर्म सब कितना है? थोड़ा है। थोड़ा गुण के साथ दुख से वो रहता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर थोड़ा भी पाप करेगा तो उसी पाप के चलते वो नरक में जा जाते हैं। आप बताइए, आप लोग का घर द्वार भी लेगा तो, पूरा बोध गया लेगा तो, गया लेंगे तो, भारत लेंगे तो, दुनिया लेंगे तो, सबसे ज्यादा कौन लोग हैं? इन लोग हैं ना। आप लोग का मम्मी पापा लोग बीसी में आ जाता है क्या? आप लोग का मम्मी पापा लोग हमेशा शरीर से पुण्य करते रहता है? नहीं। आप लोग का मम्मी पापा लोग छोड़ दीजिए, कोई भी हमेशा सील के बारे में जानता ही नहीं, सील क्या है तो कैसे पालन करेंगे? बहुत लोग ध्यान के बारे में जानते नहीं, उन लोग सोचता है वो सीधा चर्चा एक ध्यान है, ओ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करेगा तो वो ध्यान है। ध्यान के बारे में जानते नहीं, सच्चा ध्यान क्या है? तो ध्यान मन को, मन कैसे बढ़ाएगा? इसके बाद प्रज्ञा के बारे में, अनिति दुकानात्म के बारे में कौन जानता है? प्रज्ञा के चलते लोग क्या समझता है? आत्मा परमात्मा ईश्वर ऊपर वाला, उससे आगे आगे कुछ प्रज्ञा है? कोई भी धर्म, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म पे नहीं है। उन लोग सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हर एक धर्म कहता है ऊपर वाला सब बना दिया है, सब ऊपर वाला करता है, प्रज्ञा नहीं है। तो इसके बाद छोटा मन, छोटा मन मतलब उसी मन में गंदगी है, गंदगी है, गंदगी क्या? राग है, क्रोध है, मोह है, गंदगी है, घमंड, अहंकार है, और गुण धर्म बहुत थोड़ा है। बड़े लोगों की इज्जत करना है, आज्ञा पालन करना है, माँ पापा को नमन करना है, माँ पिताजी दोनों को सेवा सत्कार सम्मान करना है, संत को दान देना है, और स्त्री लोगों को इज्जत करना है, और धर्म की रास्ता पे जाना है, और गुरु लोगों को इज्जत सत्कार सम्मान करना है, अच्छा बात करना है, हमेशा दूसरों को अच्छा ही देखना है, ये सारे गुण धर्म क्या हो गया? ये गुण धर्म इसका पास नहीं है, दम थोड़ा है। जिसका पास थोड़ा गुण है तो वो सुखी से रहेगा या दुख से रहेगा? दुखी से। वो दुखी से रहता है। ये पुरुष, ये लोग थोड़ा भी अगर पाप करेगा तो नरक में जा सकता। एक दिन भगवान बुद्ध ने नाखून पे थोड़ा मिट्टी लेके पूछा, ये नाखून में, नाखून पे जो मिट्टी है वो ज्यादा है या तो फिर धरती का मिट्टी ज्यादा है? बांते लोग बताया, धरती का मिट्टी सोच भी नहीं सकता, आपका नाखून थोड़ा है। वो सही है, लोग मर जाता है
उन लोगों में से धरती का मिट्टी जैसा ज्यादा लोग नरक में चला जाता है या जानवर जन्म में, नाखून जैसा लोग मनुष्य लोक में या देवताओं के पास जाता है। तो समझ लीजिए, अभी समझ में आ गया ना कैसे जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया, एक व्यक्ति है थोड़ा भी पाप किया तो नरक में चल जाता है। इसके बाद उन्होंने बताया कौन से प्रकार की लोग हैं, थोड़ा भी पाप किया तो उसी प्रकार ही पाप किया तो इसी जन्म में ही उसका दुख मिलकर खत्म हो जाता है, एक बूंदा भी अगला जन्म के लिए बचेगा नहीं। बहुत सारे दुख मिलने के बारे में क्या बात थी। वो कौन सा पुरुष है? वो है कोई कोई लोग इस संसार में है तथागत भगवान बुद्ध की रास्ता को अपना कर भावित कायो शरीर को प्रयास करवाया, किसमें? धर्म पे। शरीर को कैसे प्रयास करता है? हत्या नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, गलत काम नहीं करता है, वही ये तीन। और शरीर से किसी को कष्ट नहीं देता है, क्योंकि वो शरीर हमेशा इस्तेमाल किया धर्म के रास्ता पे चलाने के लिए। हमेशा उन्होंने शरीर को इस्तेमाल किया पुण्य करने के लिए, हमेशा शरीर इस्तेमाल किया अपना कल्याण के लिए और दूसरों का कल्याण के लिए। भावित कायो, भावित सीलो, यानी कि वो हमेशा पूर्णिमा आ गया तो उपोषित लेने में ख्याल रखता है, अमावस्या आ गया तो उपोषित लेने के लिए ख्याल रखता है, सील टूट गया तो सील लेता है, हमेशा सील पे ध्यान देता है, सील को प्रयास करते 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 रहता है। तो वो अगर उससे कोई झूठ बोल दिया तुरंत सील में सुरक्षा हो जाता है, आपसे नहीं बोलेंगे। खास करके उपोषित लेने के लिए वो ख्याल बहुत रखता है, वो भावित सील हो, वो सील को सुरक्षा करने वाला है। भावित चित्तो, वो हमेशा मतलब रोज मन को प्रयास करवाता है, किस चीज से? ध्यान से, साधना से। इसका मतलब रोज वो साधना करता है। इसके बाद भावित पाण्यु, वो भगवान बुद्ध के ज्ञान को सुनकर सत्य को समझने के लिए कोशिश करता है, मनन करके उसका प्रज्ञा बढ़ जाता है। इसके बाद ऐसा प्रज्ञा आ गया तो उनका मन छोटा है बड़ा है? बड़ा है। जिसका पास बड़ा मन है उसको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, जिसका पास बड़ा मन है जल्दी लोग उत्पन्न नहीं होता है, जिसके पास बड़ा मन है जल्दी डरता नहीं है, मोह नहीं आता है, जल्दी रोता नहीं है, वो कमजोर नहीं है, अहंकार घमंड आता नहीं है, वो हर जगह पे अच्छे से रहता है, क्योंकि उसका मन बड़ा है, बड़ा मतलब ज्ञान से बढ़ गया, प्रयास किया हुआ है। इसके बाद उसके पास बहुत गुण धर्म है, बड़े बड़े लोगों को सेवा सत्कार सम्मान करना है, आज्ञा पालन करना गुरु लोगों का, माँ पापा को सेवा सत्कार सम्मान करता है, गुरु लोगों को भी कभी डांटता नहीं, हमेशा दूसरों को डांटता नहीं, दूसरों का अच्छा ही देखता है, किसी का गलत नहीं देखता है, बल्कि सभी लोगों का अच्छा ही देखते रहता है। ऐसा गुण धर्म बहुत है, मैत्री मन से रहता है, ऐसा गुण धर्म है तो उन लोग दुख से रहता है या खुशी से रहता है? खुशी से क्यों? कोई परेशान नहीं है, किसके ऊपर गुस्सा करेंगे? किसी के ऊपर गुस्सा आता ही नहीं, क्योंकि मन में मैत्री है। इसीलिए वो गुण के साथ खुशी से रहता है। इसी प्रकार जो लोग रहता है उन लोग पहले जैसा ही पाप अगर करेगा तो इसी जीवन में ही उसका फल मिल के खत्म होता है, अगले जन्म के लिए पाप बचेगा नहीं, मात्र भी पाप बचेगा नहीं। बहुत मिलने के बारे में क्या बात है। वो कौन से लोग हैं? नाखून का मिट्टी जैसा लोग क्या धरती का मिट्टी जैसा है? नाखून की मिट्टी। क्यों? कौन शरीर से पुण्य करता है, कौन सील सुरक्षा करता है, कौन ध्यान करता है, असत्य ध्यान असली ध्यान, कौन प्रज्ञा को बढ़ाता है, बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध ज्ञान मिलना पड़ेगा, कौन
अपना मन को बड़ा करता है गुण, और कौन गुण धर्म बढ़ाता है, कौन खुशी से रहता है क्या ऐसा कोई? थोड़ा लोग आपको मिल जाएगा, सैंडी स्कूल में बच्चा लोग 2000 है तो उनमें से आपको मेरे ख्याल से 50 भी शायद पता नहीं मिलेगा। इसके बाद उसके लिए उदाहरण भगवान बुद्ध ने दे दिया था, क्या है? एक आदमी नमक, मोटा मोटा नमक देखा है कभी? इधर पाउडर जैसा नमक है ना, समुद्र से लेने के बाद मोटा मोटा होता है, इतना इतना नमक, पत्थर पत्थर जैसा ओसा एक नमक ले करके वो क्या करता है, एक छोटा सा ग्लास में वो नमक डालता है, डाल कर अच्छा से मिलाता है। भगवान बुद्ध ने पूछा आप क्या समझते हैं, उसी नमक के कारण उसी छोटा ग्लास का पानी नमकीन होता है कि नहीं? नमकीन होता है, क्यों? क्योंकि उसमें नमक, नमक थोड़ा मोटा है, पानी भी थोड़ा है, मिलने के बाद नमकीन लगता है पानी, क्योंकि उसी ग्लास में पानी कितना है? थोड़ा है, इसीलिए वो सारे पानी नमकीन हो जाता है। वह अगर और लोग, और कोई पुरुष है, वो क्या करता है, उतना ही बड़ा नमक ले करके वो नदी में डालता है, गंगा नदी में डालने के बाद गंगा नदी नमकीन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पानी है, उसी नदी में बहुत बड़ा पानी है, उसी बड़ा पानी के लिए वो नमक छोटा सा क्या होगा, पता भी नहीं चलता, छुएगा भी नहीं। वह सही है, पहले जो नमक जैसा है ना, थोड़ा पानी था ना, वह सही है पहला पुरुष, वो शरीर को अच्छे से प्रयास नहीं करवाया है, अच्छे से सील उपोषित लिया नहीं, अच्छा से वो ध्यान साधना करता नहीं है, और वो प्रज्ञा को बढ़ाता नहीं है, तथा वो छोटा मन है और गुण धर्म कम दम नहीं के बराबर, अपना स्वार्थी, अपना फायदा के बारे में हमेशा सोच के रहता है, और वो दुख से रहता है, वो छोटा ग्लास का पानी जैसा है, जल्दी नमकीन हो जाता है, ताकि थोड़ा भी पाप किया तो उसको पाप तुरंत सेट हो जाता है, पाप बच के रहता है, मौका आ गया तो तुरंत दे देगा फल, उसी छोटा पाप के कारण मरने के बाद नरक में जाता है। आप लोग सुने होंगे एक औरत ने एक बकरी को काट दिया था, एक औरत ने एक बकरी को काट दिया, मार दिया गला काट के, वो बकरी का शरीर में जितना बाल है उतना ही जन्म में औरत का गला काट गया, समझ में आ गया? कितना बाल है बकरी का शरीर, करोड़ों बाल है ना, उतना ही जन्म में औरत का गला काट गया, अंगुली माल देखिए कितना आदमी का जान मार दिया, हजारों लोगों का हत्या किया, काट दिया गला, लेकिन अंगुली माल अरहत को प्राप्त किया है। अब समझ गया, अंगुली माल बांते जी अरहत प्राप्त करने के बाद रास्ते पे जा रहे थे, बच्चा लोग आम का पेड़ पे पत्थर मार दिया तो उसी पत्थर लौट के अंगुली माल बांते का सिर पे लग जाता है, समझ में आ गया ना आप लोग क्या हुआ है? अगर अच्छा से ये शरीर सील साधना प्रज्ञा गुणधर्म के साथ अपना जीवन धर्म पे चलाया तो अच्छी तरह से ईमानदारी मन से, उसी को इसी जीवन में किया हुआ पाप का फल मिलता है अगले जन्म के लिए नहीं। अंगुलीमाल बांते जी को भगवान बुद्ध कभी कभी सिर फूट के खून के साथ टूटा हुआ पात्र, उस समय पात्र मिट्टी का था, टूटा हुआ पात्र के साथ भगवान बुद्ध के पास आता है, भगवान बुद्ध बताते हैं अंगुलीमाल ये क्या है, ये तो खून आता है, आपका सिर फट गया, अगर आप इसी धर्म की रास्ता पे नहीं आ गया तो, नहीं आकर मर गया तो नरक में जाने वाले थे आप, नरक का दुख देख लिया तो ये पाप, ये दुख दुख नहीं है, दम थोड़ा है, सहन करिए, बर्दाश्त करिए, आप नरक से बच गए।
समझ गया मेरी बात? जयंती औरत भी वैसे ही एक जन्म में एक लड़का ने एक माकी को पकड़ के माकी का पीछे से सुई मार दिया, सुई फूंक दिया, सुना है ना। देखिए ऐसा पाप किया तो उसका गुणधर्म नहीं है, मारने के बाद मिल के जन्म जन्म वैसे मिलते मिलते आ गया। अब देखिए खतरा क्या है, इसीलिए अगर वो बहुत पुण्य करेगा तो कैसा, गंगा नदी का पानी है ना, उसमें नमक डाल दिया तो नमकीन हो जाएगा? नहीं, वैसा है, बहुत गुणधर्म है तो, और अपना जीवन धर्म की रास्ता पे चलाते रह गया तो, ध्यान भी रोज करेगा तो, ज्ञान समझने की कोशिश करेगा तो, उसको जो किया हुआ पाप इसी जीवन में मिलके खत्म हो जाता है, अगले जन्म के लिए बचेगा नहीं, सिर्फ उसको पुण्य ही रह जाएगा जन्म जन्म भोगने के लिए। इस जन्म में भगवान को ज्ञान को पाने की सुन तो अगले जन्म में हो सकता है। हाँ, अगर मरने दम तक इसी रास्ते पर रह गया तो, नहीं तो नहीं। आप लोग बच्चे हैं, क्या पता बड़ा होने के साथ साथ बदल जाएगा आप लोग, शायद आप लोग कुछ समय के लिए से रहेगा। हम कभी भी बच्चा लोग पर बच्चे लोग पर कोई आशा नहीं रखते हैं, एक बूंद आशा नहीं रखते आप लोग पे, हम सिर्फ मुझ पे आशा रखते हैं, आप लोग पे नहीं, सिर्फ मुझ पे। क्यों आप लोग पे आशा नहीं रखते हैं, अनित्य है ना, आज जो अच्छा बच्चा है कल बदल जाएगा। चार साल तक एक बच्चा अच्छा था, ध्यान कर रहा था, अगले साल से हम लोग को गाली देते देते जाएगा, नॉर्मली बात है। जिसका पास पुण्य है वो बच जाएगा, जिसका पास पुण्य खत्म है वो हट जाएगा। इसलिए आप लोग का भी जो ध्यान करता है, शीर सुरक्षा करता है, आप लोग का भी अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग भविष्य में ऐसे रहेगा कोई कौन कह सकता है, कोई नहीं कह सकता। इधर में से जो सबसे पुण्यवान है, सबसे ईमानदार, दिल से ईमानदार है, दिल से वो चाहता है हम ये प्रयास करें, वो बच सकेगा। फिर भी वो बार बार कल्याण मित्र से बातचीत करके, ज्ञान सुन करके धर्म की रास्ते पे गया तो, अपना पढ़ाई भी करके। इसके लिए और भगवान बुद्ध उदाहरण बताया कैसा है, एक आदमी कुछ पैसा के चलते जेल में चल जाता है, और लोग थोड़ा 200-300 रुपया चोरी किया था भी जेल में चल जाता है। जेल में जा करके बहुत दुख सहन करता है, क्यों 500 रुपये चोरी किया इसीलिए, लेकिन और लोग हैं अरबों रुपया चोरी करता है फिर भी जेल में नहीं चल जाता है, उसी चोरी के कारण आराम से वो रहता है। क्यों ऐसे होता है, जो थोड़ा 200-200 रुपया अगर गरीब आदमी चोरी किया तो, गरीब आदमी ही वो चोरी किया 50 रुपया कोई आदमी से, गरीब आदमी ही उसको पुलिस में डाल दिया तुरंत जेल में डालेगा कि नहीं, क्योंकि वो गरीब है, उसके पास धन एक बूंदा है, थोड़ा है, भोग संपत्ति है ही नहीं के बराबर, गरीब है, इसीलिए वो 50-60 रुपया चोरी करने के कारण उसको जेल में जाना पड़ता है। तथा और लोग, और एक पुरुष है, वो अगर 500-1,000-50,000 चोरी किया तब भी जेल में नहीं जाता है, कौन है वो, अमीर है, बलवान है, सभी लोगों को जान पहचान है, सभी लोग उसको इज्जत करता है, वो चोरी किया तो कोई पकड़ के जेल में डालेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, वह सही है। अगर वो आदमी, वो छोटा आदमी 50 रुपए चोरी किया ना, उतना चोरी किया तो बड़ा आदमी
जेल में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा, माफ कीजिए सर बोल के चल जाएगा। पुलिस लोग पुलिस लोग दे देगा और 50 रुपए चाहे तो हम भी दे देंगे। लेकिन बराबर दोनों चोर किया ना, एक आदमी जेल में, एक आदमी आराम से रहता है। क्यों? एक आदमी गरीब है, बहुत थोड़ा धन है, एक आदमी अमीर है, बहुत धन संपत्ति है, नामी है। वैसे ही है, कोई कोई लोग होता है थोड़ा पाप करके नरक में चल जाता है। वो कौन है? उसका शरीर धर्म पे चलाता नहीं है, सील सुरक्षा नहीं करता है, उपोषण वगैरह नहीं लेता है और साधना नहीं करता है। वो कौन सा साधना? असली साधना, नकली डुप्लीकेट साधना नहीं। इसके बाद प्रज्ञा बढ़ाता नहीं है और छोटा मन है, गुण धर्म थोड़ा है, उसी थोड़ा गुण धर्म के साथ दुख से रहता है, वही आदमी गरीब जैसा है। लेकिन जो उसी गुण धर्म के साथ है, शरीर से पुण्य करता है, सील सुरक्षा करता है, ध्यान करता है, प्रज्ञा को बढ़ाता है, वो पुरुष कैसा है? अमीर व्यक्ति जैसा। वो जेल में नहीं जाता ना, वैसा वो नरक में नहीं जाता है। और एक उदाहरण बताए भगवान इसके लिए। भेड़ देखा है? भेड़ को मारने वाले एक आदमी है, छोटा मोटा आदमी है, गरीब आदमी है, उसके पास धन संपत्ति है ही नहीं है, वो चोर है। मगर ऐसा आदमी एक भेड़ को चोरी करके, चोरी कर लिया तो मालिक आके क्या कर सकता है? उसको मार सकता है, पकड़ के फटाक सकता है, जेल में डाल सकता है, कुछ भी कर, मालिक जो चाहता है वो कर सकता है ना, क्योंकि वो छोटा आदमी है। लेकिन वैसा अगर मालिक जी कोई भेड़ को चोरी किया तो कोई आके जेल में डालेगा? नहीं। आके बताएगा अरे मालिक जी मेरा भेड़ दीजिए ना, आप लिया है, नहीं जाने दो, रोके जाना पड़ता है। क्यों? वो अमीर है, मालिक है, पावर उसके पास है। वैसे ही है, कोई कोई लोग रहता है पहला पुरुष जैसा, गरीब जैसा है ना, जो एक भेड़ अभी चोरी किया तो उसको पछताना पड़ेगा जीवन भर, एक भेड़ के चलते। वैसा है लोग रहता है अभावित कायो, शरीर धर्म पे प्रयास नहीं करवाया है, अभावित सीलो, सील प्रयास नहीं करवाया, पोषित नहीं लिया है, अभावित चित्तो, ध्यान करके मन को बढ़ाया नहीं, अभावित पंजो, प्रज्ञा प्रज्ञा को बढ़ाया नहीं, गुण धर्म थोड़ा है, मन छोटा है, गंदगी मन है, गुदुक से रहता है, वो गरीब आदमी भेड़ को चोरी किया जैसा है। लेकिन वो मालिक जी भेड़ को चोरी करने में कोई आके तंग करेगा? नहीं। थोड़ा मोटा कहेगा अरे मेरा भेड़ को चोरी कैसे करेगा, थोड़ा गाली देगा, उससे आगे कुछ नहीं है, वो भी मुंह के सामने नहीं कहीं जाके। वही सही है, कोई कोई लोग है भावित कायो, शरीर अच्छा से प्रयास करवाया धर्म पे, भावित सीलो, सील अच्छा से प्रैक्टिस किया धर्म पे, भावित चित्तो, ध्यान करता है रोज, भावित पंजो, ज्ञान सुनकर, आज सुबह सुना है ना, उसी प्रकार ज्ञान सुन करके अनित्य दुख अनात्मा को समझने के लिए कोशिश करता है, प्रज्ञा बढ़ जाता है ना। गुणधर्म बहुत थे, बड़ा मन है, खुशी से रहने वाला है। वो सही है, भगवान बुद्ध ने बताया,
कोई कोई लोग रहता है, उन लोग थोड़ा पाप करेगा तो उसी पाप के चलते नरक में चल जाता है, लेकिन और लोग हैं उतना ही पाप करेगा तो किसी जीवन उसका दुख थोड़ा मिलता है मगर खत्म हो जाता, नरक में नहीं जाता है, अगले जन्म के लिए बचेगा नहीं। इसीलिए आप लोग भी समझना चाहिए, इसीलिए ऐसा है, अगर कोई कहेगा तो जिस प्रकार पाप करता उसी प्रकार फल मिलता है, गलत है ना, क्योंकि दो आदमी को बराबर मिल जाएगा नहीं, है ना। जिस प्रकार कर्म करते उसी प्रकार फल मिलता नहीं है, जिस प्रकार कर्म करते उसी प्रकार फल मिलता है, समाज के जवाब देना, गलत हो गया तो फिर बोलो। ज्ञान एकदम महीन चीज है, बहुत समझना चाहिए। तो क्या सही है, जिस प्रकार फल मिलने वाले कर्म करता है उसी प्रकार उसका फल मिल जाता है। वो बड़ा पुण्यवान व्यक्ति को मिलने, जो थोड़ा भी पाप करेगा उतना ही मिलने वाले कर्म के उतना ही मिल जाता है, लेकिन जो पापी आदमी थोड़ा भी कर्म करेगा तो उसको नरक में ही जाना पड़ेगा या जान हो जाए। आप समझ गया, मरने वाले बहुत सारे ज्यादा लोग कहा जाता है नरक में, नरक सबसे ज्यादा लोग नरक में जन्म लेता है, इसके बाद लोग जानवर जन्म में रहता है, उससे कम लोग भूत प्रेतों के पास रहता है, उससे भी कम लोग मनुष्य लोक में, उससे भी कम लोग देवताओं के पास, उससे भी कम लोग ब्रह्म लोक में। कैसे कैसे नरक में कितना जनसंख्या है आपको समझ में आ जाएगा, जानवरों में पशु पक्षी में कितना प्राणी है, अगर ये आश्रम के अंदर कितना कीड़ा है, कितना मक्खी है, कितना चींटी है, कितना चिड़िया है, कितना प्राणी है, सब अंदर तक खोड़ खोड़ के देखेगा तो कितना प्राणी निकलेगा, कितना लगभग आश्रम की कैंपस में सिर्फ कितना रहेगा, करोड़ों से ज्यादा ना, तो बताइए पूरा बोध गया कितना रहेगा, तो बोध गया इतना है तो बिहार में कितना रहेगा प्राणी, बिहार में इतना है तो पूरे भारत में प्राणी कितना रहेगा, भारत में इतना है तो पूरे धरती पे कितना प्राणी रहेगा, धरती के प्राणी से ज्यादा समुद्र का प्राणी ज्यादा है, तो समुद्र का पानी कितना रहेगा, तो उससे भी ज्यादा है नरक में, उससे भी ज्यादा है नरक में। तो जानवर जन्म में सोचे बोध गया में जितना बोध है ना, रत्ती बिगा में जितना प्राणी है उतना मानव भी दुनिया में नहीं है, मानव से कितना है 800 करोड़, 800 करोड़ से ज्यादा है रत्ती बिगा का प्राणी, है ना, पूरा धरती में मानव 800 करोड़ है, उससे ज्यादा नहीं, बस 800 करोड़ 800 है, उससे ज्यादा नहीं, इंडिया में 130 करोड़, थोड़ा तो पूरा धरती में 800 करोड़ से ज्यादा प्राण मिलेगा आपको बोध गया नहीं प्रतिबिगा में, समझ लीजिए नरक में कितना रहेगा, उससे भी कम रहता है भूत प्रेतों में, भूत प्रेतों से ज्यादा बहुत कम है मनुष्य लोक में, 800 करोड़ मतलब भूत प्रेतों कम से कम अरबों 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 भूत प्रेत। इसके बाद देवताओं मानव से भी ज्यादा काम है, समझ लीजिए, इसीलिए भगवान ने नाखून में थोड़ा मिट्टी लेके बताया, इतना लोग मनुष्य लोक में या तो फिर देवताओं के पास जाएगा, इतना सारे लोग नरक में या भूत प्रेत में या तो फिर जानवर जन्म में चल जाता है, तो इतना मानव बढ़ता है क्यों, कभी कभी देवता उम्र खत्म होने का त्यौहार आ जाता है, कभी कभी जानवरों का उम्र खत्म होके उसका पुण्य भी आ जाता है ना, कभी किया हुआ पाप खत्म होने का तुरंत पुण्य बजे तो उन लोग भी मनुष्य रूप में आ जाते हैं, नरक में से कभी कभी लोग मनुष्य रूप में आ जाता है, भूत प्रेतों में से कभी कभी लोग मनुष्य रूप में आता है, थोड़ा थोड़ा आ गया तभी बहुत है ना, क्यों इतना सारा प्राणियों के पास प्राणी है, समझ लीजिए आप लोगों को ये जो मिला है मानव जन्म,
बहुत ही मुश्किल से मिल गया है, बहुत ही मुश्किल से, लेकिन द्वारा ये जन्म मिलेगा नहीं। अगर आपको मामी पापा आज मर गया तो नेवर, कभी आप मानुष से जन्म नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया, मामी पापा को अगर बहुत प्यार है तो जीवन भर सेवा किया तो उधार वापस नहीं कर सकता है, क्योंकि सेवा करने से मम्मी पापा देवताओं के पास जाएगा नहीं, सेवा करने से हम लोग देवताओं के पास जाएगा उसी पुण्य से। सेवा करने से मम्मी पापा वापस मनुष्य लोग में आएगा नहीं। भगवान बुद्ध ने बताया असली प्यार वो है, असली उधार वापस क्या है, मम्मी पापा को भगवान बुद्ध के बारे में बताना चाहिए, भगवान बुद्ध की मार्ग के बारे में बताना चाहिए, बता के सील सुरक्षा करवाना चाहिए, पाप को संपूर्ण रूप से हटाना चाहिए मम्मी पापा से, मिथ्या विश्वास धीरे धीरे हटवाना चाहिए। अगर मम्मी पापा सत्य रास्ता पे आ गया तो हम लोग उधार से मुक्त, क्यों, मम्मी पापा मरने के बाद कभी नरक में भूत प्रेतों के पास जानवरों में जाएगा ही नहीं, गुस्सा पूरा करने लगता है, ऐसा है, धीरे धीरे देना पड़ता है ना, क्योंकि सब उन लोग का सबका मन सेम नहीं है ना। सबसे अच्छा मम्मी का हाथों से दान दिलाना चाहिए, उन लोग का भी दान देता नहीं है ना, संत लोगों के बनते लोगों को संघ को उन लोग का हाथों से दिलवाना चाहिए तो अच्छा है। और भगवान बुद्ध ने आनंद बंत जी को एक दिन बताया, आनंद अगर आप किसी को प्यार है तो, किसी के साथ लगाव है तो, किसी के साथ कोई कनेक्शन है तो, किसी के साथ रहना अच्छा लगेगा तो, प्रिय है तो, दोस्त है तो, उसको देने वाले सबसे अच्छा गिफ्ट है, इनाम है, वो है भगवान बुद्ध को शरण चलाना है, धर्म की शरण में जान चलाना, संघ की शरण में जान जाना है, पुण्य की रास्ता में चलाना चाहिए, पाप को उसे हटाना चाहिए, क्योंकि वो गिफ्ट अगर किसी को मिल गया तो पक्का मरने के बाद वो देवताओं के पास, मनुष्य लोक में भी नहीं। उसको हम लोग उसे उसे नीचे रहेगा, ठीक है, हम आप लोग को रास्ता बताए, लेकिन हमसे ज्यादा आप लोग ध्यान करेगा, हमसे ज्यादा आप लोग पुण्य करेगा तो आप लोग हमसे ज्यादा ऊपर ब्रह्म लोग में चल जाएगा, हम नीचे नाच नाच के रहेगा देवता बन के। होता है ऐसा, हुआ भी है ऐसा, इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए मेरा पार्टी में सबसे बड़ा हम, सबसे ज्यादा हम ध्यान करेंगे, सबसे ज्यादा हम उपस्थित लेंगे, सबसे ज्यादा हम पुण्य करेंगे, सबसे ज्यादा हम आगे रहेंगे, ऐसा सोचने वाला देवताओं के पास जाने के बाद भी सबसे आगे रहेगा। अगर अगला जन्म लेगा तो सबसे बड़ा लीडर बन के रहेगा, वो भी अच्छा महान लीडर, कहीं ना कहीं जन्म लेगा तो ऐसे ही ले लेगा, देवताओं के पास गया तो देवताओं को मुखिया, क्योंकि वो हमेशा सोचता दूसरों से ज्यादा हम करेंगे, लेकिन दूसरों को दिखा दिखा के नहीं, वो सोचता दूसरों देखा तभी नहीं देगा तभी हमको क्या, हम अपना काम करेंगे। समझ में आ गया ना ये बात है, तो इसीलिए आप लोगों का पुण्य से आज एक सुंदर बात सुन लिया था ना, बहुत अच्छा है ना, तो आप लोग बच्चे है ना, आप लोग से उतना पाप हुआ तो नहीं, कभी कभी मछली मारा गया होगा, झूठ कभी कभी बोल दिया होगा, बड़ा बड़ा पाप करने का मौका आप लोग से छूट गया, मम्मी पापा लोग उम्र तक आ गया तो आप लोग ये ज्ञान बिना सुन के कितना पाप करेगा अनगिनत। दूसरा धर्म में कहता है अपना फायदा के लिए झूठ बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना फायदा के लिए कुछ कुछ पाप करो प्रॉब्लम नहीं, दूसरा धर्म भगवान बुद्ध ने कहता है पाप तो पाप है, चाहे वो कोई भी कैसे भी करेगा तो, लेकिन फर्क तो ऐसा पड़ता है ना, बस और कोई फर्क नहीं है। अभी ये सूत्र उपदेश समझ में आ गया, ठीक, इसीलिए आप लोगों को भी ये सुंदर सूत्र उपदेश के अनुसार अपना शरीर से बहुत बहुत पुण्य करके, अच्छा से प्रयास करके, शरीर भी अच्छा सुरक्षा करके, पोषण ले करके, तथा आप सभी लोगों को अच्छा से रोज रोज सुबह शाम दिन में ध्यान करके, सभी लोगों को प्रज्ञा भी बढ़ाकर, ज्ञान बहुत बहुत सुनकर, गुण धर्म और बढ़ाकर, आप लोगों को खुशी से जीवन बिताकर सभी दुख से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए।
साध साध।